हेलो दोस्तों, आज हम वॉल पुट्टी की स्ट्रेंथ के बारे में, पकड़ इसकी कैसी है, कौन सी पुट्टी की पकड़ कैसी है, तो उसके बारे में बताने वाले हैं। आज हम एशियन पेंट, बिरला और इंडिगो पेंट्स का जो स्ट्रेंथ टेस्ट है वो आज आपको दिखाने वाले हैं। बहुत से पेंटर भाइयों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि हमने ये वॉल पुट्टी यूज किया तो इसका कैसा रीज़न है, कोई इंडिगो यूज करता है, कोई बिरला, एशियन, बर्जर, वॉल प्लास्ट, बहुत सी, और जे के वॉल पुट्टी बहुत से। तो हम आगे आगे आपके लिए अच्छी वीडियो लाने वाले हैं। और अभी हमें पेस्ट बना रहे हैं एशियन वॉल पुट्टी का, और इसमें थोड़ा थोड़ा हमने तीनों मिक्स किया है। तो एशियन में ब्राइटनेस अच्छी है, और एशियन से भी ज़्यादा ब्राइटनेस वॉल पुट्टी में लेमन शाइनिंग आपको इंडिगो में मिलता है, वाइट लेमन में। और बिरला जो है ये थोड़ा वार्मिश कलर है इसमें, थोड़ा तो ये वार्मिश टाइप का इसमें इफेक्ट है। और आपको ज़्यादा वाइट चाहिए तो आप एशियन और इंडिगो यूज कर सकते हैं। तो अभी तीनों का हम पेस्ट बना रहे हैं, और हमें बहुत से लोगों को चाहत होती है किसका जिसका अलग अलग कंपनी का हम वॉल पुट्टी यूज कर रहे हैं तो अलग अलग इसका टेस्ट कैसा या स्ट्रेंथ कैसा होता है। तो हम एशियन पेंट का स्ट्रेंथ टेस्ट ले रहे हैं अभी, तो आपको स्ट्रेंथ दिखाएंगे एशियन पेंट का कैसा स्ट्रेंथ है। तो हमने अभी ये पेस्ट पीओपी का पीस ले रखा है, और इससे हम फर्श के टुकड़े को छोटे से बड़े और उससे बड़ा तीन टुकड़े का हम इसमें टेस्ट लेने वाले। ये आप पेस्ट बना के इसके चिपका के इसे उठा के दिखाएंगे इसमें कितना स्ट्रेंथ है। तो ये थोड़ा हल्का फर्श का टुकड़ा था, ज़्यादा हल्का भी नहीं, काफ़ी हीवी था ये भी। और इसके बाद में इससे थोड़ा बड़ा हम इससे थोड़ा बड़ा वेट वाला एशियन पेंट की वॉल पुट्टी से उठाएंगे। अभी जो देख रहे हैं अभी ब्लैक वाला ये मार्बल का पीस उठाएंगे हम इससे, इसका स्ट्रेंथ टेस्ट देख रहे हैं अभी। तो ये भी टुकड़ा इसने काफ़ी आसानी से उठा लिया है एशियन पेंट ने। और अभी थर्ड नंबर की इसका टेस्ट बाकी है, अभी थर्ड नंबर में ये कैसा वर्क करता है तो ये आपको देखने में दिलचस्पी होगी। ये थर्ड नंबर का टुकड़ा फर्श का टुकड़ा उठा पाता है या नहीं उठा पाता है, तो ये भी हम थोड़ी देर तक रुके हुए नहीं है, इसे डायरेक्ट पेस्ट बनाने के बाद में उठा लिया। काफ़ी हेवी पीस था ये, तो काफ़ी आसानी से एशियन पेंट ने ये स्ट्रेंथ टेस्ट पास कर लिया है दोस्तों पेंटर भाइयो। और अगला टेस्ट हम लेके आने वाले है वो बिरला के साथ में, जो बिरला वॉल पुट्टी है। तो बीच वाली जो पेस्ट बनाया हमने ये बिरला वॉल पुट्टी का है, तो बिरला वॉल पुट्टी का स्ट्रेंथ टेस्ट देखेंगे अभी। तीनों पीस हमने जो एशियन पेंट में उठाए थे वे पेंटर भाइयों, और तो वही हम टेस्ट अभी बिरला वॉल पुट्टी से करने वाले हैं। तो फर्स्ट पीस हमने तीन पीस ले रखे हैं फर्श के, अभी ये थोड़ा लाइट वेट, उससे थोड़ा वेट और उससे ज़्यादा वेट वाला। तो ये हमने अभी फर्श का टुकड़ा इसमें फर्स्ट इसमें इन्होंने बिरला ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे स्ट्रेंथ से पकड़ से उठा लिया है फर्श को। और अभी सेकंड फर्श में देख पाएंगे हम बिरला वॉल पुट्टी उठा पाती या नहीं पाती, तो ये थोड़ा हेवी उससे वो फर्श से टुकड़े से, तो ये भी इसमें पास कर लिया बिरला ने, तो ये भी स्ट्रेंथ टेस्ट पास कर चुका है। और तीसरा टेस्ट हम बड़े फर्श के ऊपर लेंगे, ये पीओपी के पीस पे हमने लगा कि इसे ग्रिप अच्छा आता है, तो इसके लिए हमने पीओपी के पीस से लगा उठा लिया। तो ये काफ़ी इसने उठा लिया, मगर थोड़ा वॉल पुट्टी मेरे से थोड़ा पतला हो रखा था, तो इसके लिए ये फर्श का टुकड़ा नीचे गिर गया, क्योंकि थोड़ा सख्त वॉल पुट्टी नहीं बनाया था मैंने। तो ये देखो मैंने दोबारा इसे पकड़ लिया, तो थोड़ा पतला हो रखा था वॉल पुट्टी बिरला का, तो स्ट्रेंथ वैसा कुछ नहीं, ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है इसका भी, वो पतले की वजह से बार बार फर्श का टुकड़ा नीचे गिर रहा था। अभी इंडिगो टेस्ट करेंगे, इंडिगो का जो गोल्डन सीरीज में आप लोग इंडिगो का जो वॉल पुट्टी आता है, तो उस इंडिगो का वॉल पुट्टी यूज करेंगे अभी, इसका स्ट्रेंथ देखने जाएंगे अभी। तो इसका हम फर्स्ट पे ये काफ़ी आसानी से उठा लिया इंडिगो ने, और काफ़ी ऊंचाई तक मैंने इस वजह उठा लिया था इसे, तो फर्स्ट पीस ने काफ़ी आसानी से इसमें ये पास रहा। और सेकंड पीस ये उठा पाता या नहीं ये देखने की सबको चाहत रहेगी, तो ये भी इसने काफ़ी आसानी से ना दिक्कत आते हुए उठा लिया है। और अभी थर्ड पीस जो है हमारा
हाई वेटेड, ये हम देखेंगे अभी कि इंडिगो पेंट ये वॉल पुट्टी उठा पाता है या नहीं उठाता है। तो काफ़ी आसानी से इसे भी उसने उड़ा लिया। तो तीनों वॉल पुट्टी का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों। आगे और स्ट्रेंथ लाएंगे हम जेके वॉल पुट्टी के भी, तो आगे भी हम काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें जेके वॉल पुट्टी और हमारा इसमें अभी रह गया है जेके वॉल पुट्टी रह गया है और वॉल प्लस रह गया है तो और बर्जर का भी रहा है, तो इनका भी हम जल्दी स्ट्रेंथ टेस्ट लाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए पेंटर फाइव मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।